दोस्तों, मम्मी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मिस्र का ख्याल आता है, क्योंकि ज्यादातर सभी लोगों को यही लगता है कि मम्मी सिर्फ मिस्र में ही पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी एक ऐसी जगह है जहां पर सैकड़ों साल पुरानी मम्मी आज भी मौजूद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसी स्पीति वैली के बारे में। ये एक ऐसी घाटी है जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरत सीनरीज के लिए जानी जाती है, बल्कि साथ ही ये अपनी हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्रीज के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको स्पीति वैली से जुड़ी कुछ ऐसी बातों और रहस्यों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये जगह आज दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच इतनी ज्यादा फेमस हो गई है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पीति वैली हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालय के पहाड़ों के बीच बसी एक बेहद खूबसूरत घाटी है। ये घाटी हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले के अंदर आती है, जो कि भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, झीलें, ठंडा मौसम, खूबसूरत नजारे और प्राचीन मोनेस्ट्रीज इसको भारत की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक बनाती है। कहा जाता है कि इस जगह में ऐसा जादू है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि हर साल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हजारों लोग धरती पर मौजूद इस स्वर्ग को देखने और इसका एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लोकेशन, दोस्तों, स्पीति वैली की एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ तक कि इसका नाम स्पीति इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भारत और तिब्बत के बीच में मौजूद है। दरअसल स्पीति का मतलब द मिडिल लैंड यानी बीच वाला जगह होता है। स्पीति वैली ईस्ट में तिब्बत, नॉर्थ में लद्दाख, साउथ में कुल्लू और साउथ ईस्ट में किन्नौर से घिरी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल और स्पीति जिले की कुल आबादी सिर्फ 31,564 थी, और इतनी कम आबादी होने की वजह से ही इसको भारत के 640 जिलों में से दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला माना जाता है। इस जिले में रहने वाले लोगों का सेक्स रेशियो 903 महिला प्रति 1000 पुरुष है, और यहाँ की लिटरेसी रेट 76.81% है। कल्चर, दोस्तों, स्पीति वैली में रहने वाले लोगों की अधिकांश आबादी तिब्बती है, जो किन्नौरी, पट्टानी, भोटिया, हिंदी, नेपाली और तिब्बती भाषा बोलते हैं। बताया जाता है कि लाहौली और स्पीति लोगों की भाषा, संस्कृति और आबादी लगभग एक समान ही होती है। जहां एक तरफ ज्यादातर लाहौली लोग हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। आज के समय की बात करें तो स्पीति वैली बौद्ध धर्म के लोगों के बीच एक सांस्कृतिक केंद्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ मौजूद की और ताबो नाम की मोनेस्ट्री दुनिया के सबसे पुरानी और दलाई लामा की सबसे पसंदीदा मोनेस्ट्रीज में से एक है। यही वजह है कि बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स इस जगह को एक पवित्र स्थान मानते हैं। गर्मियों के दिनों में ये घाटी सैकड़ों खाना बदोशों का घर बन जाती है, जो 200 से 250 किलोमीटर तक का सफर तय करके अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए इस घाटी में आकर रहने लगते हैं, और फिर सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही इस जगह को छोड़कर वापस चले जाते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस वैली में बहुत सी हिंदी फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है, जिसमें पाप और हाईवे जैसी मशहूर फिल्मों का नाम शामिल है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, दोस्तों, स्पीति वैली प्राकृतिक रूप से कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसको टूरिस्ट के बीच इतना ज्यादा फेमस बनाती है। तो चलिए अब हम आपको स्पीति वैली की उन खास जगहों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से इसको भारत की सबसे पसंदीदा टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ताबो मॉनेस्ट्री की, जिसको हिमालय के अजंता नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मॉनेस्ट्री को सन 996 ईस्वी में बनाया गया था, यानी दोस्तों ये मॉनेस्ट्री 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और चूंकि ये दलाई लामा की सबसे पसंदीदा मॉनेस्ट्री थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसको दुनिया की सबसे पवित्र मॉनेस्ट्री माना जाता है। और बौद्ध धर्म में इस मॉनेस्ट्री के महत्व को देखते हुए साल 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा एक और चीज जो इस घाटी को इतना ज्यादा फेमस बनाती है वो है यहाँ रखी हुई 500 साल पुरानी मम्मी। जी हाँ दोस्तों, स्पीति के गुवे नाम के एक गाँव में एक मंदिर के अंदर ये मम्मी रखी हुई है जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दरअसल ये एक बौद्ध लामा की मम्मी है जिन्होंने अपने मरने से पहले
खुद ही अपने शरीर को ममी बनाना शुरू कर दिया था। इसकी खासियत ये है कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये ममी आज भी काफी अच्छी हालत में है, और यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि इस ममी के नाखून और बाल अभी भी बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग तो सिर्फ इस ममी को देखने के लिए इस घाटी में पहुँचते हैं। इसके अलावा स्पीति वैली और भी बहुत सी चीजों, जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस, दुनिया की सबसे ऊंची पोलिंग स्टेशन, दुनिया की सबसे ऊंची गांव और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मॉनेस्ट्री आदि के लिए फेमस है। वैसे दोस्तों, अगर आपको गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने जाना हो तो क्या आप स्पीति वैली में जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर हम यहाँ पहुँचे कैसे। दोस्तों, स्पीति वैली पहुँचने के एक नहीं बल्कि दो रास्ते हैं, और इनमें सबसे मुख्य रास्ता शिमला से किन्नौर जाने वाला 412 किलोमीटर का रोड माना जाता है, क्योंकि ये रास्ता सभी लोगों के लिए पूरे साल खुला रहता है। इसके अलावा यहाँ पहुँचने का एक दूसरा रास्ता रोहतांग पास और कुंजुम पास के जरिए मनाली से होते हुए भी गुजरता है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण रोहतांग और कुंजुम पास बंद हो जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनाली और स्पीति के सब डिवीजन हेडक्वार्टर काजा के बीच 201 किलोमीटर की दूरी है, जबकि स्पीति का बॉर्डर काजा से 74 किलोमीटर पहले ही समदो नाम की एक जगह से शुरू हो जाती है, जो कि भारत और चीन की सीमा के काफी नजदीक है। दोस्तों, स्पीति जाने के लिए शिमला वाले रास्ते को मनाली वाले रास्ते से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित माना जाता है। हालांकि अटल टनल बन जाने के बाद अब मनाली वाला रास्ता भी काफी हद तक सुरक्षित हो गया है, क्योंकि 9 किलोमीटर की ये टनल यात्रियों को ना सिर्फ खराब मौसम से बचाती है बल्कि उनके ट्रैवलिंग डिस्टेंस को भी 48 किलोमीटर कम कर देती है। इसके अलावा स्पीति के बहुत अधिक ऊंचाई पर बसे होने की वजह से यहाँ जाने वाले लोग अक्सर अल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, और इस समस्या से बचने के लिए भी लोगों को शिमला वाले रास्ते से जाने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि ये रास्ता एकदम से ऊपर की तरफ जाने की बजाय धीरे धीरे ऊपर जाता है, और इसी वजह से इस रास्ते से लोगों को ऊंची जगह के माहौल में खुद को ढालने के लिए पूरा समय मिल जाता है। स्पीति वैली जाने के लिए जून और जुलाई के महीनों का समय सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इन महीनों में घाटी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिससे इस पूरे इलाके में हर जगह घूमना पॉसिबल हो जाता है। दरअसल इन महीनों में स्पीति वैली का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो कि इस घाटी में घूमने और आउटडोर एक्टिविटीज करने के लिए पूरी तरह परफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ घूमने जाने वाले सभी लोगों को ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इस पूरी घाटी में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, जो कि काजा में स्थित है। इसलिए लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन में हमेशा इतना पेट्रोल रखें कि वो काजा तक पहुँच सके। साथ ही भारत के बाहर से यानी विदेशों से आने वाले लोगों को ये बात ध्यान में रखना जरूरी होता है कि इस घाटी में जाने के लिए उन्हें इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत होती है, क्योंकि इस परमिट के बिना विदेशी लोगों को इस वैली में एंट्री नहीं मिल पाती। तो गाइस, अगर आप हैं एडवेंचर के शौकीन और आपको भी मेरी तरह घूमना पसंद है तो आप मेरे ट्रैवल व्लॉग वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस, जल्दी ही मैं उस पर एक गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो गाइस जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप इस वैली में जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।